नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करते हैं आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट की लीड रोल वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एक बार फिर से विवादों में आ गई है। इस बार मामला बॉक्स ऑफिस की कमाई से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने इस मामले पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने आउटलुक मैगजीन का हवाला देते हुए संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बॉक्स ऑफिस नंबरों के साथ छेड़छाड़ की बात कही। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल जब से आलिया की ये फिल्म आई है तब से कंगना और आलिया के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आती हैं। अभी कुछ दिनों पहले कंगना आलिया की तारीफ करते हुए भी नजर आई थी, लेकिन अब कंगना ने फिर से आलिया पर तंज कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने आउटलुक मैगजीन का ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि अच्छा, दूध में पानी तो सुना था लेकिन पानी में दूध, क्या मजबूरियां रही होंगी बेचारों की। इसके बाद से गंगूबाई काठियावाड़ी की कमाई को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कोई आलिया के साथ नजर आ रहा है तो कोई कंगना का साथ देते दिख रहा है। आपको बता दें कि आउटलुक मैगजीन ने एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि गंगूबाई काठियावाड़ी का वीकेंड कलेक्शन डबल करके बताया जा रहा है। आर्टिकल में लिखा है कि इस फिल्म के मेकर्स इसे हिट बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे एकदम अलग ही है। मैगजीन की माने तो आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन फिल्म ने वीकेंड पर उतनी कमाई नहीं की जितनी बताई जा रही है। इस दावे के बाद गंगूबाई काठियावाड़ी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हर तरफ से आवाज उठने लगी है। अब देखना ये होगा कि फिल्म के मेकर्स और स्टार अपनी क्या राय रखते हैं। साथ ही इस दावे के बाद अब कई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर फुसफुसाहट होने लगी है।